दोस्तों, चेतेश्वर पुजारा ने हाल ही में झारखंड के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के एलाइट ग्रुप ए मैच में 243 रनों की नाबाद पारी खेली थी। चेतेश्वर पुजारा की इस धमाकेदार पारी के बावजूद सिलेक्टर्स ने उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह नहीं दी है। चेतेश्वर पुजारा को घरेलू हालात में स्पिन गेंदबाजी खेलने में महारत हासिल है, लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट ने शुभमन गिल पर ही भरोसा दिखाया। बता दें कि पुजारा ने भारतीय टीम के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दौरान खेला था। पुजारा जून 2023 से ही भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। शुभमन गिल को इसके तुरंत बाद ही मैनेजमेंट ने भारतीय टेस्ट टीम में नंबर 3 पर बल्लेबाजी का जिम्मा सौंप दिया था। जून जुलाई 2023 के वेस्टइंडीज दौरे से शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 पर बल्लेबाजी के तौर पर अभी तक 7 पारियां खेली है और इन 7 पारियों में 6, 10, 29, 2, 26, 36 और 10 रन के स्कोर बनाए हैं। ऐसे में चेतेश्वर पुजारा जैसा अनुभवी खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैच में होना जरूरी था। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट करें, क्या चेतेश्वर पुजारा को जगह मिलनी चाहिए थी या नहीं।